पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में पिछले 5 दिनों में हो रही लगातार लूट की वारदात की वजह से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने वाहन चेकिंग में वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि अगर गाड़ी पर आगे और पीछे नंबर नहीं लिखा हुआ तो कार्यवाही होगी। साथ ही वाहन चालकों से गाड़ी के कागज लेकर गाड़ी पर नंबर लिखवाने के बाद बिना शुल्क दिए कागज ले जाने के लिए कहा गया है। सिविल लाइन थाने में लगातार बढ़ रही लूट की वारदात को लेकर पूरे थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ने बाइक चालकों को रोका और उन्हें जानकारी दी कि आप लोग अपनी बाइक की दोनों नंबर प्लेटें ठीक तरीके से अंकित कराएं। इसके बाद बाइक चालकों को पुलिस ने जाने दिया। इस दौरान पुलिस ने सभी बाइक चालकों को चेतावनी दी कि अगर आपके द्वारा जल्द ही दोनों नंबर प्लेट ठीक तरीके से अंकित नहीं कराएंगे तो अगली बार आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने कुछ वाहन चालकों से गाड़ी के कागज लेकर पहले नंबर प्लेट पर नंबर लिखवाने के लिए कहा और थाने में नंबर प्लेट दिखाने के बाद बिना कोई शुल्क दिए कागज ले जाने के लिए कहा गया। अभियान में सीओ अपर्णा गुप्ता ने बताया कि हमने आम जनता से अपील की है कि अपने वाहन की नंबर प्लेट पर आगे पीछे नंबर अंकित करवा लें, नहीं तो आगे से कार्यवाही की जाएगी और ऐसे वाहनों को रोड पर नहीं चलाने दिया जाएगा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सघन अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार के बिना नंबर प्लेट के दुपहिया वाहन को सड़क पर चलना अलाउ नहीं किया जाएगा। जनता से हमारी ये अपील है कि अपने सभी लोग अपने नंबर प्लेट ठीक करा लें, अन्यथा ऐसे वाहनों को सड़क से उतरना होगा।